हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। सो माय डियर चिल्ड्रन, ये टॉपिक में अब तक हम लोग ने जो सीखा है, वी हैव लर्न्ड एवरीथिंग अबाउट म्यूचुअल इंडक्टेंस एज वेल अभी तक। ओके, अभी आगे बढ़ना है हमें, आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू सर्किट्स, दैट इज दो सर्किट्स को अगर हम लोग ने कपल किया, कपल किया मतलब क्या, एक दूसरे के करीब लेके आए ताकि एक सर्किट का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे सर्किट के नज़दीक पहुँचेगी। जैसे कि यहाँ पर ये एक कॉइल है, ये दूसरा कॉइल है, अगर दोनों कॉइल को एक दूसरे के नजदीक लाएंगे तो दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। उसके अलावा ये तो आप जानते हो कि फर्स्ट कॉइल सेकंड कॉइल को इफेक्ट करेगा, सिमिलरली सेकंड कॉइल फर्स्ट कॉइल को भी इफेक्ट करेगा। बट आप तो ये भी जानते हो कि फर्स्ट कॉइल के ऊपर भी एक सेल्फ इंडक्टेंस क्रिएट करेगा, दैट विल बी L1, एंड सेकंड कॉइल उसके खुद के ऊपर भी एक इंडक्टेंस क्रिएट करेगा, दैट विल बी L2। उसके अलावा दोनों एक दूसरे के ऊपर इंडक्टेंस क्रिएट करेंगे, दैट विल बी M। तो यहाँ पर तीन इंडक्टेंसेस की क्वांटिटीज है, एक होता है M, एक होता है L1 और एक होता है L2। सो यू मस्ट नो कि उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। चलो वन बाय वन सीखते हैं हम लोग। इंडक्टेंस इन एनी ऑफ द सर्किट इज प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड वोल्टेज इट कैन डेवलप, दिस इज इक्वली ट्रू फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस। दैट मींस म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बेसिकली कैसे प्रोपोर्शनल होती है, EMF से प्रोपोर्शनल होती है। आप बोलोगे सर ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया, हम तो ये एक्सप्रेशन फर्स्ट टाइम देखा है। बेटा ये एक्सप्रेशन आप फर्स्ट टाइम नहीं देख रहे हो, इसके पहले भी आपने देखा है। बेसिकली क्या होता है, हमारा EMF इज बेसिकली इक्वल टू माइनस एल माइनस एम, मतलब E2 विल बी इक्वल टू माइनस एम DI1 बाई DT। ये तो आप जानते ही हो, इसी एक्सप्रेशन में से आया है। अगर ये चेंज इन करंट कांस्टेंट रहेगा तो मैं बोल सकता हूँ कि M और E जो है वो दोनों एक दूसरे से प्रोपोर्शनल होगी। ओके, सो यहाँ से आया था ये एक्सप्रेशन। आगे बढ़ते हैं। सो M और E जो है वो एक दूसरे से प्रोपोर्शनल होगी। E21 का मतलब क्या होता है, E21 is the induced EMF developed in coil 2 due to the portion of flux from the coil 1. मतलब 2-1 का मतलब 2 के वजह से 2 पर जो EMF develop हुआ है because of 1. Okay. अब किसकी वजह से EMF develop हुआ है, 1 के वजह से। Okay. ये चीज दिमाग में रख लेना। अब ये जो EMF होती है, ये EMF basically equal to सेकंड वाले पे जो EMF प्रोड्यूस होती है वो बेसिकली किसके वजह से होती है, फ्लक्स के वजह से होती है कि नहीं। यहाँ पर एक्चुअली एक छोटा सा स्टेप हम लिख सकते हैं, जैसे कि आई कैन से दैट E2 मतलब सेकंड वाले का जो EMF है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टोटल चेंज इन फ्लक्स ऑफ द सेकंड वाले। सिर्फ टोटल चेंज, ओके, टोटल चेंज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। एंड यहाँ पर टोटल चेंज जो होगा, दैट विल बी नथिंग बट ये फर्स्ट वाले की वजह से हो रही है ना। I'm so sorry, my dear children. So E21 is directly proportional to total change in the flux will be nothing but equal to change in flux, like a number of terms multiplied by change in flux per unit term. Okay, change in flux per unit term पे चलोगे यहाँ पर 5-2 करके हो जाएगा per unit term. अभी second वाले का, अभी सीधी सी बात है, आप तो जानते हो कि EMF जो होती है, okay, second वाले पे जो EMF होती है किसकी वजह से होती है, सेकंड वाले के फ्लक्स चेंज की वजह से होती है। एंड सेकंड वाले का फ्लक्स चेंज किसकी वजह से होते हैं, ऑब्वियसली बात है ना, वो फर्स्ट वाले के फ्लक्स चेंज की वजह से होती है। दैट मींस आई कैन से दैट दिस सेकंड फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट फ्लक्स। सिंस दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आई कैन से दैट इट इज के टाइम्स द फर्स्ट फ्लक्स। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ के टाइम्स द फर्स्ट फ्लक्स। सो दैट मीन्स E21 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 मल्टीप्लाइड बाई के टाइम्स द फर्स्ट फ्लक्स। सो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा गया है। ओके, सो इन शॉर्ट मैंने यहाँ पर क्या बोला, E2 जो है, E2 होती है सेकंड फ्लक्स के वजह से, सेकंड फ्लक्स के चेंज की वजह से। सेकंड फ्लक्स का चेंज होता है, टोटल चेंज होगा नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन फ्लक्स इन ईच टर्म्स। चेंज इन फ्लक्स इन ईच टर्म ऑफ द सेकंड वन विल बी इक्वल टू, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन फ्लक्स इन द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन पर जितना चेंज इन फ्लक्स होगा उतना ही सेकंड वन पर होगा। तो के मल्टीप्लाइड बाय 5 करके लिख सकता हूँ, ये यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर देगी अपना एक्सप्रेशन बन गया। उसके बाद अब हम तो जानते हैं कि भाई फर्स्ट वाले का जो फ्लक्स होता है वो फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं ऑब्वियसली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से इधर जो फाई है, फाई के जगह पर मैं डायरेक्टली N1 सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। देन आई विल बी गेटिंग E21 इज इक्वल टू N2 मल्टीप्लाइड बाई K मल्टीप्लाइड बाई N1। ओके, सो इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो बेसिकली मुझे क्या मिला यहाँ पर। अभी मैं आपको सीधा ऊपर लेके जाता हूँ। उसके पहले तो
ये ऊपर लेके जाके एक एक्सप्रेशन एक्चुअली आपको दिखाना चाहता हूँ। ये रहा ये एक्सप्रेशन। सो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन में क्लियरली इन्होंने बताया है कि जो इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस होती है वो नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, ये हम लोग ने ही डिराइव किया है फॉर अ सोलेनोइड। सोलेनोइड मतलब क्या होता है, बेसिकली कॉइल होता है। नीचे भी हम लोग कॉइल के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। सो उसी बेसिस पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि कमिंग बैक टू द ओल्ड पोजिशन, दिस इज माई ओल्ड पोजिशन, सो आई एम कमिंग बैक टू दी ओल्ड पोजिशन। इसी बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि भाई जो एल जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होती है। इसमें से मैं लिख सकता हूँ कि जो एन होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल होती है। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, एन वन की जगह पर मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ एल वन एंड एन टू की जगह पर लिखूंगा मैं स्क्वायर रूट ऑफ एल टू। सो अगर सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पर, सो एन वन मल्टीप्लाइड बाई एन टू विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल वन मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एल टू दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एल वन मल्टीप्लाइड बाई एल टू। तो ये n1 वन मल्टीप्लाइड बाई एन टू की जगह पे ऊपर जो है ना उसकी जगह पे डालूंगा स्क्वायर रूट ऑफ एल वन मल्टीप्लाइड बाई एन टू। ओके, अब ई टू वन तो हम जानते हैं कि भाई ई टू वन प्रोपोर्शनल टू m है। ओके, तो ई टू वन को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ m के साथ। सो एल एच एस में रिप्लेस करूंगा m के साथ। k तो वैसे भी कॉन्स्टेंट है भाई, k को छोड़ दो। n1 n2 की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ एल वन एल टू डाल दूंगा। तो कुल मिलाकर हमें एक्सप्रेशन मिलेगा m इज इक्वल टू k टाइम्स अंडर रूट एल वन एल टू। सो k टाइम्स कहाँ से है, k इज बेसिकली कॉन्स्टेंट है। ओके, so it is basically directly proportional to under root of n1 n2। ये expression के बाद हम लोग clearly बोल सकते हैं कि मतलब this is basically the relation of m with the coupling। मतलब अगर दो coil को हम लोगों ने couple किया तो दोनों coil के self inductance का expression along with the mutual inductance का जो relation होता है वो ये होता है इसका relation, m is equal to k multiplied by square root of n1 multiplied by n2। so you guys will have to memorize this formula। okay, ये formula आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर k यूजुअली लेस देन वन क्यों बोला है, सो बेसिकली मान लीजिए अगर ये एल वन क्या है, पहले वाले का इंडक्टेंस, मतलब पहले वाले कॉयल ने खुद के ऊपर जो किया। एल टू क्या है, दूसरे वाले कॉयल ने खुद के ऊपर जो किया। एम क्या है, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर किया। सो अगर दोनों ने एक दूसरे के ऊपर लाइक 100% इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, दैट इज 100% एक दूसरे का फ्लक्स अगर चेंज कर पा रहे हैं, देन हम बोलेंगे कि k का वैल्यू वन होगा। अगर वो 100% नहीं इफेक्ट कर पाएंगे तो k का वैल्यू जो होती है वो लेस देन वन होगा। k इज इक्वल टू 100% कपलिंग, परफेक्टली कपल करना 100% इन्फ्लुएंस करेंगे तो ही हम लोग k इज इक्वल टू 1 यूज कर सकते हैं। आई बिलीव आई एम क्लियर, किसी को कोई डाउट? ओके, दैट्स ग्रेट, डाउट नहीं है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, हमें काम करेंगे यहाँ से नोट डाउन करना शुरू करेंगे। सो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग हेडिंग लिख लीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन द टू सर्किट्स। ये हेडिंग लिख लीजिए प्लीज। ओके, आई बिलीव आप लोगों ने लिख लिया है। उसके बाद ये एक्सप्रेशन लिख लीजिए, वी नो दैट m is equal to e21। ये एक्सप्रेशन लिख लीजिए, कहाँ से नाटक लिखेंगे पता है, जस्ट होल्ड ऑन। यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिए। उसके आगे आप लिखेंगे फाइव टू इज इक्वल टू के टाइम्स फाइव। उसके आगे आप लिखेंगे ई टू वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टू फाइव टू, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स एन टू फाइव, और ये फाइव की जगह पर लिखेंगे k times, sorry k one नहीं है, only k one वाले, k times five। फिर इस तो यहाँ पर आ जाएंगे। सो ये लाइन लिखना है, उसके बाद ये लाइन लिखना है, उसके बाद ये लाइन लिखना है, फिर सीधा यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद ये पूरा डायरेक्टली
यहाँ तक लिख सकते हैं। इनफैक्ट उसके आगे वाला सेक्शन पे आप लिख सकते हैं, दैट इज इफ के इज ग्रेटर देन 0.5। अभी देखो परफेक्टली कपल्ड रहेगा तो आप जानते हो कि के इज इक्वल टू 1 रहेगा। 1 मतलब क्या होगा, 100% पे कपल्ड रहेगा। के ग्रेटर देन 0.5 मतलब 0.5 मतलब हाफ ऑफ 1, हाफ ऑफ 1 मतलब 50%। के अगर ग्रेटर देन 0.5 है आप बोल सकते हैं कपलिंग जो है ना 50% के ऊपर है, 50% के ऊपर है तो हम बोल सकते हैं टाइटली कपल्ड। के लेस देन 0.5 है तो हम बोल सकते हैं कि जो कपलिंग हुआ है वो थोड़ा 50% के नीचे है, मतलब लूजली कपल्ड रहेगा वो। ओके, देन अगर L1 और L2 दोनों इक्वल है देन हम बोल सकते हैं, जस्ट अ मोमेंट, देन अ कॉइल विद सेल्फ इंडक्टेंस L इज कपल्ड टू इटसेल्फ विद म्यूचुअल इंडक्टेंस। मतलब L1 और L2 अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम रहेगा तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। सब्सटीट्यूट करने के बाद L1 और L2 दोनों का वैल्यू अगर सेम रहेगा तो L स्क्वायर लिखेंगे, दैट मीन्स म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो वैल्यू है वो सेल्फ इंडक्टेंस से इक्वल रहेगा। वही यहाँ पर बताया है, पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़। ये सेकंड पॉइंट के एंड तक नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं स्क्रीन डाउन करूँगा तो आप थर्ड पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं। सो मेरे चिल्ड्रन ये वाला थर्ड पॉइंट भी लिख लीजिए कम्प्लीटली। सेकंड वाले पॉइंट तक तो आपने ऑलरेडी लिख लिया था ऊपर से लेकर, अभी थर्ड वाले पॉइंट पे लिख लीजिए प्लीज। फाइन माय डियर चिल्ड्रन, लेट्स नाउ लर्न अबाउट ट्रांसफॉर्मर्स। नाउ व्हाट इज बेसिकली ट्रांसफॉर्मर्स? ट्रांसफॉर्मर्स हमारे म्यूचुअल इंडक्टेंस के बेसिस पे क्रिएट किया हुआ एक सर्किट होता है, एक डिवाइस होता है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में होता क्या है, एक आयन कोर होता है जिसके एक तरफ एक कॉइल का वाइंडिंग होता है, दूसरे तरफ भी एक और कॉइल का वाइंडिंग होता है। ऐसे दो कॉइल्स रखते हैं, एक के बाद एक दो कॉइल्स रखते हैं। बेसिकली क्या होता है ये तो आप जानते हो कि प्राइमरी कॉइल से आप करंट पास करवाओ तो प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा, तो ये जो फ्लक्स होता है वो सेकेंडरी कॉइल का भी फ्लक्स चेंज करता है। ये फ्लक्स चेंज जो सेकेंडरी कॉइल पे होता है इस वजह से सेकेंडरी कॉइल से करंट फ्लो शुरू होती है। प्राइमरी कॉइल पे आपने कुछ तो पावर सप्लाई लगा के करंट फ्लो जनरेट करवाया होगा, तो सेकेंडरी कॉइल पे आपने पावर सप्लाई कुछ नहीं लगाया बट स्टिल उसमें करंट फ्लो होती है, बिकॉज ये जो है यहाँ का प्राइमरी कॉइल उसको इन्फ्लुएंस करके सेकेंडरी कॉइल से करंट फ्लो करवाती है। ओके, एंड ये जो करंट फ्लो होती है ये ऑब्वियसली इसके चेंज, प्राइमरी कॉइल पे जब तक करंट चेंज होगी तब तक ही सेकेंडरी कॉइल पे करंट फ्लो होगी। मतलब ये हम लोग डायरेक्ट करंट के लिए ट्रांसफॉर्मर्स यूज नहीं करते जनरली, क्योंकि डायरेक्ट करंट में करंट का वैल्यू कॉन्स्टेंट होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए हम लोग ट्रांसफॉर्मर्स यूज करते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट में करंट का वैल्यू चेंज होती है। जितना करंट का वैल्यू चेंज होगा उतना ही यहाँ पर भी करंट फॉर्म होते रहेगा। ओके, तो इसमें ये दो कॉइल्स है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स। प्राइमरी कॉइल को जनरली इनपुट बुलाया जाता है, सेकेंडरी कॉइल को जनरली हम लोग आउटपुट बुलाते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो थियोरी हम लोग सीखेंगे सेम स्टोरी होता है। EMF जनरेटेड इन द प्राइमरी कॉइल इज बेसिकली इक्वल टू द चेंज इन फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कॉइल अपॉन द टाइम, एंड ये जो टोटल फ्लक्स होता है दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम। सो नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय डीफा बाय डीटी को सेपरेटली रखेंगे। एंड सिमिलरली सेकेंडरी कॉइल के लिए भी सेम स्टोरी होती है, माइनस ns, जैसे ep के लिए माइनस np मल्टीप्लाइड बाय डीफा बाय डीटी होती है, वैसे es के लिए माइनस ns मल्टीप्लाइड बाय डीफा बाय डीटी होती है। इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो ns es अपॉन ep इज इक्वल टू ns अपॉन np मिलेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। सो ट्रांसफॉर्मर में अगर किसी ने पूछा ES क्या है, EMF इंड्यूस्ड ऑन द सेकेंडरी कॉइल, EP क्या है, EMF इंड्यूस्ड ऑन द प्राइमरी कॉइल, एंड NP एंड NS आर द नंबर ऑफ टर्न्स। तो इसमें से एक बात तो क्लियर है कि जो EMF है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स है। ये ट्रांसफॉर्मर का सबसे बड़ा खास बात होता है। अब ये कैसे यूज किया जाता है मैं ये आपको बताता हूँ। देखो सिंपल सा फंडा, अगर आप चाहते हो ये कॉइल में बड़ा EMF है बट आप सेकेंडरी में छोटा EMF चाहते हो, तो सिंपल सा फंडा, सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दो, सेकेंडरी का EMF ऑटोमेटिकली छोटा रहेगा एज कम्पेयर टू प्राइमरी। अगर आप उल्टा करना चाहते हो, प्राइमरी का जितना EMF है उससे ज़्यादा EMF सेकेंडरी में क्रिएट करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। तो प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स छोटा रखो, सेकेंडरी का बड़ा रखो, जिधर भी नंबर ऑफ टर्न्स बड़ा रहेगा वहाँ पर बड़ा EMF जनरेट होगा। सो आप मैनिपुलेट कर सकते हो कि इनपुट तो आपको पता है कि आप कितना दे रहे हो, आउटपुट आपको कितना चाहिए, इनपुट से बड़ा EMF चाहिए या इनपुट से छोटा EMF चाहिए, ये चीज़ आप मैनिपुलेट कर सकते हो। ये मैनिपुलेशन की वजह से हम दो टाइप के ट्रांसफार्मर्स क्रिएट कर सकते हैं। पहला टाइप का ट्रांसफार्मर बोलते हैं
There are two types of transformers. The first type of transformer is step up transformer. Step up transformer में क्या होता है, secondary coil का step up हुआ. Step up हुआ मतलब ऊपर की तरफ step किया, मतलब secondary coil का EMF जो है ना वो primary से बड़ा है in this case. And second type of transformer is nothing but step down transformer, मतलब वहाँ पर हम लोग ने थोड़ा नीचे की तरफ लेके आया. दैट मीन सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ जो होता है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी कॉइल का ईएमएफ. ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है, अगर आप सी जब भी आप चल के जाते हो तो आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा कि देर आर सो मेनी ट्रांसफार्मर्स ऑन रोड. एक बड़ा सा एक इलेक्ट्रिकल मशीन होता है जो रोड पर फिक्स किया जाता है. सो वो बेसिकली स्टेप अप ट्रांसफार्मर होती है. सो MSEB से जितना भी इलेक्ट्रिसिटी आती है वो उसका AT होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो ट्रांसफार्मर उसको बड़ा करके बाहर की तरफ. ES इज वॉट आउटपुट, सेकेंडरी इज आउटपुट, प्राइमरी इज इनपुट. MSEB से जो प्राइमरी इनपुट आती है उसको बड़ा करके बाहर की तरफ घरों की तरफ भेज देता है. ये होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो रास्ते पर हमें दिखाई देता है. अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, हमारे मोबाइल फोन या फिर हमारे लैपटॉप के जो अडैप्टर्स होते हैं या फिर LED TV के जो अडैप्टर्स होते हैं उन उसके अंदर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स फिट किए जाते हैं. क्योंकि हमारे घरों पर जो पावर सप्लाई आती है दैट इज अराउंड 230 वोल्ट, लेकिन हमारे मोबाइल फोन को फंक्शन होने के लिए सिर्फ 5 वोल्ट की जरूरत होती है. लैपटॉप को फंक्शन होने के लिए अराउंड 10 वोल्ट की जरूरत होती है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये 230 वोल्ट से 5 वोल्ट पर करंट को उतारना पड़ता है. डायरेक्टली फोन के अंदर इतना करंट हम लोग भेजते हैं. सो पोटेंशियल डिफरेंस को 230 से 5 पे कैसे उतारा होगा, यूजिंग अ ट्रांसफार्मर. दैट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को यूज करके वोल्टेज को नीचे उतारा. सिमिलरली 230 को 10 भी वैसे ही बनाया जाता है. तो इसी वजह से एक एक डिवाइसेस के लिए स्पेसिफिक अडैप्टर्स बनाए जाते हैं, क्योंकि वो अडैप्टर्स वोल्टेज को मैच करने की कोशिश करते हैं. छोटा करना, बड़ा करना, जो भी स्टेप अप करना या स्टेप डाउन करना. ओके, या गोइंग फॉरवर्ड, अब एक आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए अगर आप कंसिडर करेंगे तो इनपुट पावर जितना भी होता है आउटपुट पावर उतना ही होता है. अभी पावर का एक्सप्रेशन तो आप जानते हैं, वो वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट. इनपुट पावर के लिए इनपुट वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय इनपुट करंट, आउटपुट पावर के लिए आउटपुट वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट करंट. तो उसके बेसिस में जो एक्सप्रेशन हमें मिलता है दैट इज दिस एक्सप्रेशन, दैट इज ES अपॉन EP विल बी इक्वल टू IP अपॉन IS. प्रीवियसली हमें मिला ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू IP अपॉन IS. सो दिस विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर एनी ट्रांसफार्मर. ये एक एक्सप्रेशन दिमाग में रखेंगे तो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में केस 1 में यहाँ पर बताया है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में केस 2 में यहाँ पर बताया है. आई बिलीव इतना आप लोगों को क्लियर हो चुका है. दैट इज ऑल अबाउट ट्रांसफार्मर. बस इतना ही है ट्रांसफार्मर के बारे में, ज्यादा कोई टेंशन नहीं है. सो माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज राइट डाउन द हेडिंग ट्रांसफार्मर्स. उसके बाद ये डायग्राम बनाइए प्लीज. उसके बाद डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन लिख लीजिए, EP इज इक्वल टू, मतलब यहां से लेकर यहां तक पूरा लिख लीजिए, यहां से लेकर यहां तक. उसके बाद डायरेक्टली ये लिख लीजिए फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर से लेकर, फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर से लेकर यहाँ तक लिख लो, तब जाके आपका ट्रांसफार्मर्स का पूरा नोट खत्म हो जाएगा. सो ये चैप्टर में बेसिकली इतना ही होता है कंटेंट. इसके बाद हम लोग डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे.